नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:29 तक रहेगी। आज दोपहर 1:53 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। आज बुध उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा आज पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 5 फरवरी की दोपहर 12:13 से रात 11:59 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 5 फरवरी की सुबह 6:42 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 फरवरी की दोपहर 12:35 से रात 11:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 7:37 से सुबह 10:56 तक, और एक बार फिर दोपहर 12:31 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:45 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:45 से दोपहर 1:41 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:08 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:34 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:09 से शाम 6:39 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:45 से दोपहर 1:41 तक, और एक बार फिर दोपहर बाद 3:55 से रात 10:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। आज ये अशुभ समय कल यानी कि 5 फरवरी की रात 11:59 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:51 से दोपहर 11:13 तक। मुंबई सुबह 10:02 से दोपहर 11:27 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:55 से दोपहर 11:16 तक। लखनऊ सुबह 9:35 से 10:58। भोपाल सुबह 9:46 से दोपहर 11:10 तक।
कोलकाता सुबह 9:02 से सुबह 10:26 तक, अहमदाबाद सुबह 10:05 से दोपहर पहले 11:29 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:28 से 10:55 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। आप लोगों की प्रेरणा बनेंगे, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपकी योजनाएं सफल होंगी और आपका आर्थिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित कोई सुखद खबर मिलने की संभावना है जिससे आपको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए लाभ के योग हैं, तरक्की के अवसर मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। आप नई नई योजनाएं बनाएंगे जिससे आपके व्यापार में लाभ की संभावना बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आज आपकी व्यस्तता रहेगी जिससे आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको अपने व्यवहार में कटुता लाने से बचना चाहिए, इससे बना बनाया काम बिगड़ेगा। मित्र के माध्यम से धन लाभ के योग हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। नौकरी में बदलाव आने और नई नौकरी प्राप्त करने के योग हैं। विभागीय परिवर्तन या तबादले की भी संभावना है। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे और अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच रिश्तों में सुधार आएगा और आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी लव मेट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लाने वाला है। आज का दिन आपके करियर में अच्छी सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के साथ साथ कार्यभार में भी बढ़ोतरी होगी। मनचाही जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। आज आपके व्यापार से संबंधित रुकी योजनाएं फिर से चालू होंगी तथा आप उस प्रोजेक्ट पर फिर से काम करना शुरू करेंगे और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ भी मिलने की संभावना है। इस राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद रहेगा। एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को कोई अच्छी सूचना मिलने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी सफलता के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुखद रहने वाला है। आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। आपके कार्यालय में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। आज आप अपने साथ साथ दूसरों का भी सहयोग करेंगे। आपको अपने कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु सावधानी बरतने पर सब ठीक हो जाएगा। किसी प्रॉपर्टी में या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर निवेश करने से आपको आज बचना चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय फेवरेबल है। अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आप धार्मिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अधूरे कामों को समय पर पूरा करने से लाभ मिलेगा और प्रमोशन की संभावना बनेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें आज जॉब मिलने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ है। किसी प्रतिष्ठित कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, परंतु उचित देखभाल से सब ठीक हो जाएगा। आज आप अपने पार्टनर और बच्चों के साथ बैठकर किसी बात पर चर्चा कर सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2।
कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बदलाव लेकर आया है। आज आप अपने जीवन जीने की शैली में सुंदर बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आज आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। आज आप अपनी जॉब में कुछ नया करके दिखाएंगे। कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ होगा, आपको सम्मान मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आपसे बेहतर होंगी। आपको आलस्य से आज दूर रहना चाहिए। आलस्य करने से महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं। व्यापार में उन्नति होगी और आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा। आपके लिए यह साझेदारी मददगार साबित होगी। अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आया है। थोड़े उतार चढ़ाव के बाद आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी। आपके लिए नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी अच्छी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और आपकी तनख्वाह भी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति आप जागरूक रहेंगे। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। आज आप जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी संतान के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उचित खान पान का पालन करें। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति के साथ सैलरी में भी बढ़ोतरी होने के योग हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, परंतु आपकी मेहनत से स्थिति बेहतर होगी। इससे आमदनी के रास्ते खुलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों को का अच्छा साथ मिलेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में तनाव हो सकता है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों की यह इच्छा पूरी हो सकती है। आज इस सिलसिले में प्रयास शुरू करना चाहिए। स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, योग और मेडिटेशन करें। इससे आपको शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। आज आपको दोस्तों के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिलने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के योग हैं। नए लोगों के संपर्क से व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। शारीरिक समस्याओं के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, परंतु उचित देखभाल से सब ठीक होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा। संतान की ओर से कोई खास खबर मिल सकती है। इससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। यदि कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी उचित देखभाल करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी पारिवारिक काम में मेहनत बढ़ सकती है। घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखें। साथ ही अगर पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपने साथ ATM कार्ड ले जाना ना भूलें। आज किसी से बेवजह की बातें ना करें। पड़ोसी से किसी चीज़ को लेकर अनबन हो सकती है। अगर आप खुद की कोई फर्म खोलना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है। हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लाने वाला है। आज आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी दांपत्य जीवन बिताएंगे। इस राशि के जातकों को करियर को लेकर सावधान रहना चाहिए। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपके खिलाफ अधिकारियों के कान भर सकते हैं, जिससे आपको नौकरी में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने काम के प्रति गंभीर रहेंगे और अच्छी मेहनत करने से सफलता मिलेगी। आमदनी के रास्ते खुलेंगे। नए नए लोगों से संपर्क भी जुड़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए लाभ के योग हैं।
विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है क्रीम और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में सराहना मिलेगी। आपके काम को देखते हुए आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और अपने मनपसंद विषयों में उनकी पकड़ बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपको अपनी वाणी और संयम में व्यवहार में संयम बरतना चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों को अनुभवी और सम्मानित लोगों से सहयोग मिलेगा और व्यापार को बढ़ाने में कामयाब होंगे। विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में उन्नति प्राप्त हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करें, अन्यथा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समय समय पर डॉक्टर से सलाह मशवरा लें, आपको लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज हनुमान जी को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल पर अनाज डालें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आप अपने साथी के साथ आज घूमने और ख़रीदारी में समय बिताएंगे। मूलांक 2, आज आप घर की साज सज्जा में पैसा खर्च करेंगे और कहीं निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। मूलांक 3, आप पहले से चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे और आज आपकी रुचि आध्यात्मिकता में भी हो सकती है। मूलांक 4, आपको नई रिसर्च के साथ साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आज ऑफर मिल सकता है। मूलांक 5, आज आप किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग से बचें, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। मूलांक 6, आप कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ आज अधिक पर्सनल न रहें, अपनी सीक्रेट किसी को भी न बताएं। मूलांक 7, आज आप नौकरी के साथ साथ कुछ फ्रीलांस का नया काम भी शुरू करने की सोच सकते हैं। मूलांक 8, आज आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। मूलांक 9, आप अपने जीवन साथी के साथ आज कार्य में हाथ भी बटाएंगे और भावनात्मक रूप से उनके साथ भी रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी पीपल के पेड़ के बारे में, और आज हम बात करेंगे घने पेड़ों को किस दिशा में लगाना चाहिए। पेड़ पौधे मनुष्य के सच्चे दोस्त होते हैं और इनका आसपास होना बड़ा शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पेड़ों की दिशा के बारे में विस्तार से बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऊंचे और घने पेड़ों को दक्षिण या पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में घर की दीवार से थोड़ी दूरी पर लगाना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। और पहले से उपस्थित पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल करनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि पेड़ इतना लंबा हो कि अगर बाई द वे वो आंधी पानी में उखड़ जाए तो आप घर को नुकसान न पहुंचाए, तो इतने डिस्टेंस पर लगाइए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:29 तक रहेगी। आज दोपहर 2:58 पर बुध उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध के इस प्रवेश से सभी धान्य खाद्य सामग्री अन्न आदि में मंदी रहेगी। आज दोपहर 1:53 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज सुबह 9:16 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है।
इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन शनिदेव के साथ साथ पीपल के पेड़ की भी उपासना करनी चाहिए। आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ाने के लिए, कोर्ट केस की उलझनों से मुक्ति पाने के लिए, नौकरी में आमदनी बढ़ाने के लिए, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, संतान को विदेश भेजने में आ रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करने से बचने के लिए, अपने पास पैसों की बचत करने के लिए, मेहनत का उचित फल पाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने के लिए, घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी के लिए और प्रेम विवाह में आ रही अड़चनों से पीछा छुड़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज रात 9:29 से कल सुबह 10:44 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर अच्छा खासा कमाने के बाद भी आपके पास कोई खास बचत नहीं हो पाती है और पैसों के मामले में आपके हाथ तंग बने रहते हैं तो आज के दिन आप पीपल के 11 पत्ते लें। अब इन पत्तों से एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम शं शं ओम शं नमः। फिर से सुनिए, शं ओम शं नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास धीरे धीरे करके पैसों की बचत होने लगेगी और आपको किसी प्रकार की तंगी नहीं होगी। अगर लाख परिश्रम के बाद भी आपको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के तने को छूकर आशीर्वाद लें। उसके बाद पीपल के पास से थोड़ी मिट्टी लेकर घर आ जाएं। बाद में उस मिट्टी को एक काले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें और शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं शं ह्रीं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 5 बार जाप करना है। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का उचित फल जरूर मिलेगा। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन से खुशियां कहीं गायब हो गई हैं तो दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर चढ़ाने चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी डालना चाहिए और शनिदेव के इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से खुशियां भरने लगेंगी। अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो उस फ्लो को फिर से बढ़ाने के लिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल का एक पत्ता लेकर आइए। अब उस पत्ते पर बीचों बीच काले स्केच पेन से एक बिंदु बनाइए और उस बिंदु को 5 मिनट तक लगातार देखते रहें। उसके बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और वहीं बैठकर शनि के इस मंत्र का जाप करें,
ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस का फ्लो फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आप किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं और उसे जल्द ही बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। आज के दिन शनिदेव के इस मंत्र का जाप करने से आपको कोर्ट केस की उलझनों से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और बहुत दिनों से आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको एक काला कोयला लेना चाहिए और उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए, शं शनैश्चराय नमः, शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन बहते जल में काला कोयला प्रवाहित करने से और शनि के इस मंत्र का जाप करने से आपकी आमदनी में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही पीपल की जड़ में पानी डालना चाहिए और शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनि के मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। तो इस मंत्र को पढ़ने से आप परेशानी से बाहर निकलेंगे। आपके संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपने घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी चाहिए। आप पीपल के पेड़ के पास जाकर इस जल को पीपल की जड़ में डाल दीजिए। साथ ही मंत्र जाप के दौरान अपने घर की सुख संपदा में बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जाप के लिए मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख संपदा में स्थायी रूप से बढ़ोतरी होगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आपको मौसम को देखते हुए अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और गुस्से पर भी कंट्रोल करें, इसका स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। बी, आज आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा इसलिए आज किसी काम को लेकर कोई भी निर्णय आराम से लें। सी, अपनी सोच व मेहनत के बल पर आज आप कार्यस्थल पर सभी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। डी, आपको किसी बड़े ग्रुप से पार्टनरशिप करने का मौका मिलेगा, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। ई, आप जिससे प्रेम करते हैं आज उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, साथ ही अपने व्यवहार में भी बदलाव लाइए। एफ, आज आप व्यापार के सिलसिले में मनचाही डील हासिल करेंगे। जी, अगर आपको पहले से किसी प्रकार की स्किन संबंधी परेशानी है तो आज डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। एच, अपने भाई बहनों के साथ आज आप बढ़िया समय बिताएंगे और कहीं बाहर खाने पीने भी जा सकते हैं। आई, लवमेट्स को आज परिवार वालों की तरफ से सहमति मिल सकती है। जे, आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें, मौसम के बदलाव के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। के, आपके लेखन कार्यों को आज वाहवाही मिलेगी, लोग आपके काम में रुचि लेंगे। एल, अगर कहीं आपका धन फंसा हुआ है तो आज वापस आने की संभावना बन सकती है। एम, आप अगर पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आज कोई शुभ सूचना मिल सकती है। एन, आप विद्यार्थी हैं तो आज आपका दिन खेलकूद
और मनोरंजन में बीत सकता है। ओ, कार्यस्थल पर आज आपकी दोस्ती किसी महिला से होगी, ये दोस्ती आगे प्यार में भी बदल सकती है। पी, आज आपके सभी विरोधी परास्त होंगे, शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे। क्यों, आपका संवेदनशील स्वभाव कार्यक्षेत्र में आज सहकर्मियों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। आर, आज आप कार्यक्षेत्र में अपने अति आत्मविश्वास के कारण दूसरों के उपहास का कारण बन सकते हैं। एस, आपको आज वाहन चलाते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। टी, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हुए कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। यू, आज लोगों के प्रति अपनी वाणी को मीठा रखें जिससे लोग आपके किसी काम में मदद करें। वी, आपको आज कहीं से अचानक धन लाभ होगा और आप कहीं घूमने का भी प्लान बनाएंगे। डब्ल्यू, आपको आज किसी संगीत सभा में आमंत्रित किया जा सकता है। एक्स, यदि आप फिल्म लाइन में हैं तो आज कोई अच्छा अवसर हाथ आ सकता है। वाई, अगर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं, आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी करेंगे। जेड, किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिलेगा और आप वहाँ सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ ईडाणा मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच में है। लगभग 600 साल पुराना ये मंदिर सिद्ध पीठ है। यहाँ सबसे अद्भुत बात है, यहाँ माता की मूर्ति हर साल में एक बार अग्नि स्नान लेती है। माता की मूर्ति से अचानक आग की लपटें निकलने लगती हैं। इस दौरान मूर्ति से लिपटी चुनरियाँ, धागे और सब सामान जल जाता है। मान्यता है कि ये आग कोई लगाता नहीं है बल्कि खुद ही लगती है और खुद ही बुझती है। कहा जाता है कि आग तब तक जलती रहती है जब तक माँ की मूर्ति लाल नहीं हो जाती। लोग इस अग्नि स्नान को देखने दूर दूर से आते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर और अग्नि स्नान के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी अनामिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में, और आज हम बात करेंगे कनिष्ठिका उंगली के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के कनिष्ठिका उंगली के नाखून के मूल में अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद निशान दिखाई देता है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं जिससे उन्हें यश की प्राप्ति होती है। कनिष्ठिका उंगली का संबंध बुध ग्रह से होता है और बुध का सीधा प्रभाव व्यापार, संगीत, एंकरिंग, वाणी से जुड़े सभी कार्यों आदि क्षेत्रों में होता है। इसलिए ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक धन लाभ अर्जित करते हैं, बड़े ही वाणी प्रवण होते हैं, और नृत्य संगीत के क्षेत्र में हों तो खूब नाम कमाते हैं। ये लोग अपना काम पूरा मन लगाकर करते हैं, इससे इन्हें लाइफ में सफलता प्राप्त होती है। कल मैं आपको बताऊंगा अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। और अब बात अवॉर्ड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 फरवरी को चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में तिल के तेल से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चतुर्दशी तिथि रात 9:29 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी, वो कल रात 11:58 तक रहेगी। पूर्णिमा का भी यही नियम है, घी और तिल के तेल से बनी चीज़ें नहीं खानी है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्वाह। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज झूठ न बोलिए, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।